हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैशन एंड प्रोफेशन। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे। जी हाँ, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक प्रेशर वॉशर की, जो कि फ्लिपकार्ट से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले मैंने परचेज़ किया था और इसकी कॉस्ट मेरे को जो है 6000 के अराउंड पड़ी थी। तो दोस्तों, मैंने इसको ठीक वैसे ही पैक किया है जैसे ये मेरे को रिसीव हुआ था, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने प्रेशर वॉशर की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है हमारी मेन यूनिट जिसका हम जो है अनबॉक्सिंग करेंगे, और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो दोस्तों, उससे पहले हम देखते हैं कि बॉक्स पे हमें क्या क्या मेंशन है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, यहां आपको जो है कार्चर की इमेज दिखेगी, यहां कार्चर की ब्रांडिंग है, ये प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है। और इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो है परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ मेंशन है, जैसा कि इसमें 110 बार का जो है प्रेशर है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर है। और दोस्तों, ये 360 लीटर पर आवर जो वाटर कंज्यूम करता है, अगर इसको हम मिनट में कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 6 लीटर के आसपास एक मिनट में वाटर कंज्यूम करता है, जो कि काफ़ी कम है। और इसकी जो मोटर है दोस्तों, वो है 1400 वाट की, जो कि अपने आप में एक काफ़ी पावरफुल मोटर है। और यहाँ मेंशन है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इसको आप अपनी गाड़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाइक के लिए, आप फ्लोर के लिए, स्टेयर्स के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एसेसरीज़ जो है मेंशन है कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या एसेसरीज़ मिलती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको ट्रिगर गन मिलेगी, एक आउटलेट होज है जो कि हाई प्रेशर को झेलने के लिए बनाई गई है, और यहाँ पर एक आपको इनलेट होज मिलती है, ये भी अप्रोक्स 6 मीटर है। और इसके साथ आपको यहाँ एक डर्ट ब्लास्टर मिलेगा और एक स्प्रे लेंसेज मिलेगी। ये कुछ इसके फीचर्स हैं जो मेंशन किए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला फीचर है कि इसकी जो गन है वो क्विक कनेक्ट है, यानी आप अपनी जो आउटर होज है उसको सिंगल क्लिक के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं, और सिंगल क्लिक के साथ आप इसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जो है आपको एक ऑनबोर्ड एसेसरीज मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इमेज में, साइड में आपको 2 कप होल्डर टाइप जो है एक स्पेस मिलता है, जहां आप अपनी गन को और दूसरी तरफ जो है आप अपने लेंसेज को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहां एक और फीचर है इसमें सेल्फ वाटर सक्शन का, यानी आप इसको रनिंग जो वाटर है अपना जो टैब में डायरेक्ट वाटर आता है वहां से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप इसको अपनी बकेट से डायरेक्ट वाटर करके जो है यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं दोस्तों कि दूसरी तरफ क्या मेंशन है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है और इस स्टिकर में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, जैसे इसको कब मैन्युफैक्चर किया गया था, कब इसको इंपोर्ट किया गया था, इसमें कितना वेट है, और दूसरा इसमें जो MRP है वो क्या है। तो अगर इसकी वेट की बात करें तो 7.325 kg, यानी ये 7.5 kg से भी जो है कम है। अगर आप जो लोकल मार्केट में प्रेशर वॉशर देखते हैं तो उनका वेट अप्रोक्स 17-18 kg के आसपास होता है, तो इस हिसाब से हम देखें तो इसमें उनसे आधे से भी कम वेट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ एक बबल रैप देखने को मिलता है, जो कि इसकी सेफ्टी के लिए रखा गया है। एज यूजुअल हमारी यूजर मैनुअल, इसको भी हम रखते हैं साइड में। एक इनलेट होज है, यानी इसको आप अपना जो टैब है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमें जो यहाँ मिलता है दोस्तों, ये है हमारी आउटर होज, ये काफ़ी अच्छे मटेरियल की बनी हुई है, ताकि ये जो इसका प्रेशर है 110 बार का उसको झेल सके, और देखने में ये काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और इसकी लेंथ जो है अप्रोक्स 6 मीटर है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, जो आपकी गाड़ी है उसके जो है आप चारों तरफ जाके आसानी से इसको वॉश कर सकते हैं, आपको बार बार अपना प्रेशर वॉशर जो है हिलाना नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों इसकी ट्रिगर गन है, क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छी है। और जिस क्विक कनेक्ट की हम बात कर रहे थे, वो ये बटन है दोस्तों, जैसे ही हम इसको प्रेस करके अपनी इनलेट होज को इन करते हैं तो एक टिक का साउंड आएगा और ये लॉक हो जाएगी। और दूसरा लॉक मैकेनिज्म दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब भी आप अपने प्रेशर वॉशर को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और उस टाइम आप इस लॉक को लगा सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। जैसे ही ये लॉक लग जाएगा तो ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा, और जैसे ही हम लॉक को रिलीज़ करेंगे तो ये हमारा ट्रिगर गन जो है दोबारा से काम करना शुरू कर देगा।
इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ दो लेंसेज मिलती हैं, पहली जो है हमारी स्प्रे लेंस है और जो दूसरी है दोस्तों वो है डर्ट ब्लास्टर, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इन दोनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और दोनों ही हाई प्रेशर जो है इसका वाटर का उसको झेलने के लिए बनाई गई है। और इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पे एक मिलता है कनेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये कनेक्टर है, यहाँ आप अपनी पाइप को जो है इंसर्ट कर सकते हैं और जो दूसरा सिरा है इसको इसको आप डायरेक्ट जो अपना आप कह सकते हैं आपका टैब है वहाँ इसको लगा के और वाटर को हमारे प्रेशर वॉशर में इन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारी मेन यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो ब्लैक और येलो कलर कॉम्बिनेशन में है जो अपने आप में काफ़ी अच्छा दिखता है। और दोस्तों अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये सच में बहुत लाइट वेट, आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको अपनी दस जो है सिर्फ टू फिंगर्स से जो है इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी लाइट वेट है। और इसकी केबल तकरीबन 4 मीटर के आसपास है जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है, वहाँ से आप इसको जो है थोड़ा सा दूर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको जो है इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी मेन यूनिट। जी हाँ, ये ब्लैक और येलो कलर कॉम्बिनेशन में है जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ आपको जो है कारचर की ब्रांडिंग मिलेगी और दूसरी तरफ जो है आपको कुछ सेफ्टी मैनुअल्स दिए गए। तो क्वालिटी वाइज हम देखें तो हर प्रोडक्ट जो है इसका कारचर का वो बहुत अच्छा होता है और इस प्रोडक्ट में भी क्वालिटी वाइज मेरे को किसी तरह की कोई कमी नहीं लगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों कंप्लीट सेटअप को हमने बाहर निकाल लिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कनेक्ट होगी। सबसे पहले हम इनलेट होज़ की बात करते हैं दोस्तों। तो इनलेट होज़ जो है मैंने इसको जो ऑर्डिनरी पाइप होती है घर में उसको यूज़ किया है, तो मैंने जो इसके साथ पाइप आई थी येलो कलर की उसको ओपन नहीं किया है क्योंकि इससे मेरा ठीक ठाक काम चल जाता है। तो दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस पाइप को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इसको टाइटली हम यहाँ बंद कर देंगे। अब हमारी पाइप जो है कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो चुकी है और इसको हम प्रेशर वॉशर से कनेक्ट करने के लिए जस्ट इस हिस्से को सिंपली पीछे करेंगे और इंसर्ट करके छोड़ देंगे, तो हमारी जो है पाइप इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ ये किस तरह से होती है। ये है दोस्तों इसका इनलेट होज कनेक्टर। तो सिंपली हमने इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है और इसको छोड़ देना है, हमारी पाइप जो है कनेक्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आउटलेट होज की, कि आउटलेट होज जो है हमारी वो गन के साथ और प्रेशर वॉशर के साथ किस तरह से कनेक्ट होती है। तो सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला जो सिरा है इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है और जब एक क्लिक का साउंड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कनेक्ट हो चुकी है। ठीक इसी तरह जब आप इसको रिमूव करेंगे आपको सिंपली यहाँ से इसको प्रेस करना है और इसको बाहर खींच लेना है। अब दिखाता हूँ दोस्तों कि इसका जो दूसरा सिरा है उसको हम प्रेशर वॉशर के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये देखने में कुछ इस तरह से दिखता है और दोस्तों इसको हमें इस जगह पे जो है लगाना है, इसको हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है और इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमें लॉक कर देना है। तो दोस्तों अब हमारी जो गन है वो इनलेट होज के साथ कनेक्ट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है स्नो फोम वॉश की। तो दोस्तों मैंने इस फोम कैनन को जो है लोकल मार्केट से परचेज़ किया था और मैं इस टाइम इसको इस प्रेशर वॉशर के साथ यूज़ करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि ये प्रेशर वॉशर फोम कैनन के साथ किस तरह से काम करता है। दोस्तों इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो एक जो आप कह सकते हैं कि कार वॉश शैम्पू होता है उसका मैंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसको 100 ml रखा है और 500 ml इसमें वाटर फिल किया है ताकि ये जो है एक काफ़ी थिक फोम प्रोड्यूस करे। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी कार को वॉश करके देखते हैं और देखते हैं ये प्रेशर वॉशर कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरी गाड़ी है होंडा ब्रियो 2014 मॉडल। तो रिसेंटली अभी जो है 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है तो ये काफ़ी गंदी हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो
अपना सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है, और अभी मैं डर्ट ब्लास्टर का यूज़ करूँगा क्योंकि थोड़ी सी डर्ट इस पे ज़्यादा है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करता है। इसको आप गन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जब इसको लगाते हैं तो ये आपका लॉक हो जाएगा, और अब ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जो फॉर्म है हम इससे कैसे रिमूव करते हैं। तो दोस्तों सेम इसको वैसे ही हमें कनेक्ट करना है, और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी हमारी एकदम से क्लीन हो चुकी है। चलिए मैं गाड़ी का वॉक अराउंड दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी एकदम से हमारी क्लीन हो चुकी है, ठीक वैसे ही जैसा कि हम सर्विस स्टेशन पे कराते हैं, और बाकी आप खुद ब खुद देख पाएंगे।